हेलो भाई, मैं हूं आसिफ सुभानी और सामने आपके खड़ी है किया वालों की काफ़ी मशहूर कार किया सोनेट, यानी 4 मीटर से छोटी लेंथ के साथ आती है। लेकिन भाई अभी का टाइम ना इसका जो सेल्स फिगर है वो काफ़ी डाउन चला गया है। अभी सबसे ज़्यादा जो सेल हो रही है इस सेगमेंट में वो हो रही है आपकी मारुति सुजुकी की ब्रेजा, उसके बाद नेक्सॉन का नंबर आता है, फिर वेन्यू, फिर भाई 4th नंबर पर ये गाड़ी चली जाती है। बट फीचर्स के मामले में यार ये गाड़ी बहुत अच्छी है। फीचर्स विचर्स आपको जो भी है काम लाइक मिल जाते हैं। थोड़ी जो सेफ्टी को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा भाई, सेफ्टी फीचर्स या सेफ्टी रेटिंग थोड़ी ज़रूर कम मिलेगी। तो चलो, सबसे टॉप मॉडल है ये GT लाइन IMT टर्बो पेट्रोल वाला। इसके लिए आपको 100 शोरूम देने पड़ते हैं, 13,09,000 रुपये, और ऑन रोड भाई 15,16,000 रुपये अपने पटना बिहार में जाती है। मतलब 15 लाख रुपये यार बहुत हैवी अमाउंट होता है एक छोटे से गाड़ी के लिए। इतने पैसे में अगर आप जाते हो ना किया सेल्टोस के HT के वेरिएंट के पास भाई, गाड़ी वाड़ी बड़ी से साइज़ की मिल जाती है। लेकिन चलो, फीचर्स चाहिए जिन्हें, जो फीचर्स के दीवाने हैं उनके लिए ये गाड़ी बनी है। सबसे पहले फ्रंट साइड आ जाओ, ब्लैक कलर की वैसे गाड़ी है, मस्त लगती है दिखने में। यहाँ पर आपको किया का लोगो मिल जाता है, और फ्रंट में जो इसमें ग्रिल मिलता है ये मिलता है आपको पियानो ब्लैक कलर का, और रेड कलर का हल्का हल्का इंसर्ट्स देखने को मिल जाएगा। GT लाइन का बैज मिल जाएगा, नीचे साइड में भी आपको रेड कलर का स्ट्रिप मिल जाता है, और साइड में भी आप देखोगे तो आपको रेड कलर का यहाँ पर भी स्ट्रिप मिलता है। मतलब GT लाइन है, इस वजह से आपको बाहर साइड की बात कर ले, यानी एक्सटीरियर की बात कर ले, इंटीरियर की बात कर ले, रेड रेड देखने को मिल जाएगा। ये हो गए आपके हेडलैम्प, रिफ्लेक्टर वाले हैं, LED वेस्ट भाई, ये जो भी किया है या फिर हुंडई वाले हैं, LED में रिफ्लेक्टर दे दे या फिर प्रोजेक्टर दे दे भाई, इनकी जो थ्रो है कोई खास रहती है नहीं। ये जो चीज़ है आपका LED वाइट जलेगा, लेकिन जो है ना ब्राइटनेस उतना कोई खास लेवल का नहीं रहता है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं DRL, लेकिन एक चीज़ सही है कि जैसे DRL जो है इसी में आपके इंडिकेटर जलते हैं, अभी फ़िलहाल हो गए हैं बंद इंडिकेटर। और जो DRL का सेटअप है ना, चाहे आप किसी भी इनकी गाड़ी की बात कर लो, खास करके सोनेट या फिर सेल्टोस का, भाई दिखने में यार मस्त यूनिक सा लगता है। ये देखो, इसी के अंदर आपके DRL भी जलते हैं और इंडिकेटर भी जलते हैं। नीचे साइड में आपको फॉग लैंप मिल जाता है, ये चीज़ प्रोजेक्टर में मिलेगा, LED नहीं है, नॉर्मल हैलोजन है। और भाई इस सेगमेंट में जो सबसे अलग चीज़ आपको ये किया सोनेट में मिलती है भाई, फ्रंट साइड में देख रहे हो 1, 2, 3 और 4 आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। मतलब इस सेगमेंट में ये जो फीचर है भाई कोई और नहीं देगा, चाहे आप वेन्यू की बात कर लो, मतलब किसी भी गाड़ी जिसकी भी मैं नाम बताए उसकी आप बात कर लो। यहाँ आपको मिल जाते हैं टायर साइज 16 इंच के 215/60 R16 इंच का आपको मिलेगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाता है, और रियर साइड में आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलता है। IMT है, इस वजह से IMT का बैज मिल जाता है। बाकी ORVM के इस जगह आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, नीचे साइड में आपको क्रोम कलर का बेल्ट मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ना इस सेगमेंट में भाई जो महारत हासिल है वो है टाटा नेक्सॉन को, 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस उसमें मिलता है। बट आप ये वाली लेते हो तो इसमें उससे थोड़ा कम 205 mm का मिलता है। इसे भी एक महारत हासिल है, वो मालूम है क्या है? इसका बूट स्पेस। आप जाओ नेक्सॉन लेने, नेक्सॉन में बूट स्पेस 350 से 360 लीटर का आता है, लेकिन जब आप किया सोनेट की बात करते हो 390 लीटर का बूट स्पेस, मतलब अच्छा खासा बड़े से साइज़ का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। अंदर साइड में आपको बूट लैंप नॉर्मल हैलोजन वाले मिलेंगे, और पीछे साइड वाले जो सीट है ये अपना ना पूरा फोल्ड होता है, मतलब 60-40 वाला जो है हिसाब वो चीज़ नहीं मिलेगा। बोस का सब वूफर मिल जाता है, और स्पेयर टायर जो है अपना नॉर्मल स्टील रिम मिलेगा इसमें आपको, ये देख लो अंदर साइड में मिलता है। पार्सल ट्रे हो गए, इसे कर दीजिए यहाँ से बंद। टेल लैंप भी बहुत अच्छा मिलता है, कनेक्टिंग टाइप का आपको डिज़ाइन ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन ये जलता है अपना इतना सही। आइस क्यूब वाला चीज़ मिलता है, इंडिकेटर हो गया नॉर्मल हैलोजन, रिवर्स लाइट आपका नॉर्मल हैलोजन हो गया। GT लाइन का आपको बैज यहाँ पर मिल जाता है, टर्बो इंजन है, TGTI का बैज यहाँ पर मिल जाता है, और पीछे साइड में इसमें पार्किंग सेंसर्स कितने मिलते हैं भाई, तो ये आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको रेड कलर देखने को मिलेगा। रियर वाइपर हो गया, डिफॉगर हो गया, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रूफ रेल्स, और साथ में सार्कफिन एंटीना। तो बाहर साइड से कुछ ऐसा इतना सा फीचर्स आपको मिलता है सोनेट GT लाइन में।
अब आ जाओ इंटीरियर चलेंगे। यहाँ पर क्रोम कलर के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है। देखो 15 लाख रुपए अगर आप दे रहे हो किया वालों को सोनेट के लिए, अगर फीचर्स की थोड़ी बहुत अभी के टाइम बात करें ना, तो आपको इसके मुकाबले इससे थोड़ी कम प्राइस में ही या फिर ऑलमोस्ट इस प्राइस पॉइंट पर, मालूम है कौन सी ब्रांड ज़्यादा फीचर्स देगी भाई, टाटा नेक्सॉन में आपको अच्छे खासे फीचर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, सेफ्टी रेटिंग भी मिल जाएगी। तो किया वालों को यार ज़रूरत है थोड़े इसके ऊपर फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी रेटिंग भी बढ़ाने की। ये हो गया अपना सारा विंडो से रिलेटेड कंट्रोल। इसका हैजार्ड लाइट जो है ये, अच्छा सॉरी हैजार्ड लाइट तो नहीं था, ये इंडिकेटर अपना यहाँ से कर लेते हैं बंद। तो यहाँ पर आपको ORVM फोल्ड अनफोल्ड करना, उससे रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। विंडो के कंट्रोल हो गए, ड्राइवर साइड वाला वन टच डाउन जाता है और साथ में वन टच अप आ जाता है। यहाँ पर लेदर मिलेगा रेड कलर का, अगेन आपको स्टिचिंग मिल जाता है, वही बताया ना कि GT लाइन है तो इस वजह से रेड रेड कलर देखने को मिलता है। बॉस का यहाँ पर सब वूफर हो गया, यहाँ पर ट्विटर हो गया, डोर लीवर हो गया, बोतल होल्डर हो गया, भाई अम्ब्रेला होल्डर भी हो गया, ये सारा चीज़ मिल जाता है, मतलब टाटा वालों के जैसा सेम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ड्राइवर वाली सीट में हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। इस सेगमेंट में अगर बात करें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट की ना, तो वो चीज़ आपको सिर्फ हुंडई वेन्यू में मिलता है भाई, टाटा वाले भी नेक्सॉन में नहीं देंगे आपको। फ्यूल लिड ओपन करना है उसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी आओ अंदर साइड, अंदर आप आते हो इसमें तो लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा, ये सारा चीज़ हो गया, मतलब भरा भरा सा ये जो एरिया है ना इनका, अच्छे खासे बटन्स वटन्स आपको भरे भरे से मिल जाएंगे। लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील हो गया, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल गया, ये हो गया आपको इस MID को कंट्रोल करने के लिए, आपको एवरेज देखना है, नेविगेशन आ गया, टायर प्रेशर से रिलेटेड और क्या माइलेज वाइलेज दे रहा है वो सारा चीज़ आपको बताएगा, डिजिटल स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, और इस साइड जो मिलता है भाई ये ना 10.25 इंच के बड़े से साइज़ के टच स्क्रीन का कंट्रोल मिल जाता है। अब इतना बड़ा सा जो डिस्प्ले है वो आपको वेन्यू ही दे सकती है या फिर किया सोनेट ही दे सकती है। नीचे साइड में ऑटोमेटिक AC का सारा कंट्रोल देख लो, और भाई वेंटिलेटेड सीट्स अभी के टाइम आपको इस सेगमेंट में दो ही गाड़ियों में मिलते हैं, यानी ड्राइवर साइड को पैसेंजर दोनों साइड वाला आपको वेंटिलेटेड मिलता है। तो ये आपको सोनेट में भी मिल जाएगा, इसके कंट्रोल्स ये देखो यहाँ पर है, टोटल 3 लेवल आपको मिलते हैं, ये हो गए ड्राइवर साइड के, ये हो गए को पैसेंजर साइड के, और आपको नेक्सॉन में मिल जाएगा। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, ये हो गए आपके USB चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर, और ये 12 वोल्ट 120 वाट का चार्जिंग सॉकेट। और देखो GT लाइन लोगे तो यहाँ पर पैडल्स जो है ये आपको मिलते हैं मेटल वाले, IMT है तो भाई क्लच का कोई झमेला है नहीं, 6 स्पीड का ये है अपना IMT गियर लीवर। बाकी मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, 2 बोतल होल्डर मिल जाते हैं, इस जगह आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसमें एयर प्योरीफायर भी सेट है अपना, अंदर साइड में आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। ये है ग्लो बॉक्स, बड़े से साइज का नहीं है, मतलब थोड़े छोटे से साइज का है, ऐसे सही है यार गाड़ी के हिसाब से सही है, ग्लो बॉक्स ठीक साइज़ का है। यहाँ पर डैशबोर्ड टोटल आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, और हाँ हेडलाइट का जो कंट्रोल है ये ऑटोमेटिक मिल जाता है, और ये जो है आपको वाइपर का कंट्रोल ये आपको मिलता है मैनुअल वाला, ये ऑटो वाला नहीं है। बाकी ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगी, सनग्लास होल्डर मिल जाएंगे, फीचर्स तो अच्छे खासे मिल जाते हैं। यहाँ पर देख लो रीडिंग लैंप आपको नॉर्मल हेलोजन वाले मिलेंगे, और सनरूफ जो है कुछ इतनी सी बड़ी सी साइज़ की मिलती है। सनवाइज़र मतलब इनकी थोड़ी क्वालिटी देखो लूज टाइप की है, इस साइड आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएंगे, इसकी भी बात कर ली जाए। ये है अपना टैकोमीटर एनालॉग वाला, फ्यूल लेवल इंडिकेटर एनालॉग वाला, इंजन हीट से रिलेटेड वार्निंग एनालॉग वाला, नीचे साइड में वार्निंग लाइट्स, टोटल गाड़ी कितनी चली है, बाहर साइड का टेम्परेचर बता रहा है, और डोर ओपन है उसकी वार्निंग आ रही। अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई वाला भी डोर ओपन रहेगा तो वो सिर्फ बताएगा, जैसे कि ये देखो अभी इसमें 2 डोर अपना बता रहा है खुला हुआ है, ये वाला 1 डोर खुला हुआ है, दूसरा जो है अपना ये वाला डोर ओपन है, मतलब दोनों डोर्स ओपन है तो उसका वार्निंग आ रहा है। अब इससे अगर बंद करते हैं तो यहाँ पर देखो ये जो है अपना हो गया भाई बंद, पीछे वाला सिर्फ खुला रह गया, तो नॉर्मल सा इतना सा चीज़ मिल जाता है फ्रंट वाली सीट से। ऑटोमेटिक AC का कंट्रोल हो गया, और ये जो डिज़ाइन है ना अब थोड़ा पुराना हो गया यार, ये चीज़ भी खलता है लोगों को। ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ये हो गया आपका, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना, हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल, मतलब इतने से चीज़ मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल मिलता है, चाबी आपको दिखाना रह गया, चाबी कैसा मिलता, चाबी में भी इसमें ना एक जो फीचर है वो भाई आपको नेक्सॉन में नहीं मिलता है, वो आपको बताएं, वो है इसका
इंजन स्टार्ट स्टॉप से रिलेटेड कंट्रोल, ये चाबी अपना देख लो कुछ ऐसा सा रहता है। मतलब इसमें आप गाड़ी आपको लॉक करना है, ये पहले तो इसका डोर जो है वो सटा देते हैं, गाड़ी आपको लॉक करना है। ओ भाई साहब, अच्छा वो वाला दरवाज़ा रह गया है खुला हुआ, इस वजह से हुआ बंद। अब देखो दरवाज़ा बंद हो गया, गाड़ी आपको लॉक करना है, लॉक करो। लॉक अनलॉक करने पर ORBM भी फोल्ड अनफोल्ड होंगे, ये हो गया इससे अनफोल्ड हो जाएगा यानी गाड़ी अनलॉक होगा। और ये मिल जाता है आपको, इसे प्रेस रखते हो तो आपकी इंजन जो है वो हो जाती है स्टार्ट, बट मैक्सिमम टाइम वो भाई आज हो गया ऐसे जल्दी ना, मतलब कभी कभी जो है धोखा दे देता है ये चीज़, बट आज अभी हो गया। आपको बंद करना इंजन, यहीं से बंद कर दो, होल्ड रखते हो तो आपकी टेलगेट हो जाती है अनलॉक, इतना सा चीज़ हो गया। अब बचा अपना यहाँ पर का, अब जैसे चाबी अपने पास है, आपको गाड़ी अनलॉक करना है, यहाँ जाओ गाड़ी आपकी अनलॉक हो गई, चाबी सिर्फ अपने जेब में रहना चाहिए। अब इसमें आपको पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए मिल जाते हैं कर्टेन, ये जो कर्टेन है ना भाई टाटा वाले यार किसी गाड़ी में नहीं देते हैं, उनकी चाहे किसी भी गाड़ी की बात कर लो, ये चीज़ आपको किया हुंडई ये ब्रांड्स ये फीचर्स देने में आगे रहते हैं। विंडो का कंट्रोल यहाँ पर हो गया, अगेन आपको मिल जाता है यहाँ पर लेदर और रेड कलर का स्टिचिंग, बोस का स्पीकर, टोटल 8 आपको सेटअप मिलेगा सब वूफर के साथ। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा AC वेंट्स और USB चार्जिंग सॉकेट, अंदर साइड में स्टोरेज स्पेस। तो भाई वीडियो एंड करते करते यानी इंजन विंजन दिखाने तक में मैटर गया थोड़ा उलझ किया वालों के साथ अपना, तो वहीं पर वीडियो को रोकना पड़ गया। खैर अगर आप चाहते हो वो उस दिन क्या हुआ अपना किया वालों के साथ, अगर आप चाहते हो तो कॉमेंट करना, एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। अदरवाइज भाई छोड़ो, वो सारे मैटर वैटर ऐसे होते रहते हैं। आ जाओ इंजन की बात आपको यहाँ से बता देते हैं। आप लेते हो 1 लीटर का टर्बो वाला पेट्रोल इंजन इनका, तो ये 120 PS का पावर प्रोड्यूस कर देगा और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो डिलीवर कर देता है। मतलब पावर तो है यार, वैसे आप डीजल पर भी जा सकते हो, नॉर्मल पेट्रोल पर भी जा सकते हो, डीजल पर जाओगे तो और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, पेट्रोल नॉर्मल पर जाओगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। भाई कैसे लगी आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताओ, कमेंट बिलो। मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ, पीस सेफ।